नमस्कार। अब तक की तमाम खास खबरों के साथ मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। ये डालते हैं नजर अब तक की तमाम खास हलचलों पर। भिवानी में आगामी 25 जून को होगा प्रदेश स्तरीय व्यापारी सम्मेलन। एक माह से लापता निगम के सहायक लाइनमैन का पुलिस नहीं लगा पाई कोई सुराग, गुस्साए परिजनों ने किया लघु सचिवालय के बाहर पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन। गांव तिगड़ाना में बाबा परमहंस तिगड़ाना धाम पर मनाया जाएगा 3 दिनों तक वार्षिक महोत्सव, तैयारियां जोरों पर। गांव जाटू लुहारी की बनी के कुएं में मिला संदिग्ध हालत में व्यक्ति का शव, फोरेंसिक एक्सपर्ट टीम ने किया शव का मुआयना। गांव सुई के समीप ट्रेन से गिरकर हुई एक व्यक्ति की मौत, शिनाख्त करने में जुटी पुलिस। और अब खबरें विस्तार से। नगर व्यापार मंडल के स्थानीय पदाधिकारियों ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता के दौरान आगामी 25 जून को नई अनाज मंडी में होने वाले प्रदेश स्तरीय व्यापारी सम्मेलन की जानकारी दी। इस सम्मेलन में मंडल के उपाध्यक्ष बजरंग दास गर्ग पहुंचेंगे, वहीं इसमें व्यापारियों से जुड़ी अनेक समस्याओं पर विचार विमर्श भी किया जाएगा। नगर व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि व्यापारी हितों के लिए अग्रणी भूमिका निभाने वाला व्यापार मंडल का प्रांतीय सम्मेलन इस बार भिवानी में होने जा रहा है। आगामी 25 जून को नई अनाज मंडी में आयोजित होने वाले सम्मेलन में प्रदेश भर से व्यापारी पहुंचेंगे, जबकि सम्मेलन को संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष बजरंग दास गर्ग भी संबोधित करेंगे। सम्मेलन में व्यापारी हितों से जुड़ी अनेक समस्याओं पर भी मंथन होगा। सन 1958 के बाद कपड़े को एक आम आदमी का पहनने के लिए मान लिया गया था कि हर गरीब आदमी, हर किसान आदमी, हर मजदूर आदमी, हर मिडिल क्लास आदमी कपड़ा पहनता है। इसकी कॉस्ट कम रहनी चाहिए। कॉस्ट कम रहने का यही था कि सरकार ने टैक्स कोई नहीं लगाए थे, किसी भी सरकार ने। लेकिन अब जो प्रेजेंट सरकार है, बीजेपी की, मोदी जी की सरकार है, उन्होंने इस पर 5% टैक्स लगा दिया, जो व्यापारियों पर एक बहुत बड़ा कुठाराघात है। पिछले एक माह से लापता हुए निगम में ठेके पर लगे कर्मचारी का कोई सुराग नहीं लगने से नाराज परिजनों ने शुक्रवार को लघु सचिवालय के बाहर पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शनकारी पुलिस की कार्यप्रणाली से खासे नाराज नजर आए। वहीं लापता कर्मचारी के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिलने से आहत भी दिखाई दिए। स्थानीय लघु सचिवालय परिसर के बाहर पुलिस प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे परिजनों ने बताया कि सिवानी के वार्ड नंबर 9 निवासी संदीप डीसी रेट पर गांव मिट्टी सब स्टेशन पर तैनात है। गत 23 मई को वो ड्यूटी के दौरान ही अचानक लापता हो गया था। पुलिस ने 24 मई को उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली थी, जबकि कर्मचारी के अपहरण का मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। परिजनों का कहना है कि उन्हें नहीं मालूम कि उनका लड़का किस हालत में है। पुलिस करीबन एक माह के बाद भी उसकी गुमशुदगी पर कोई सुराग नहीं लगा पाई है। परिजनों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी कई सवाल खड़े करते हुए पुलिस प्रशासन के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई। वहीं पुलिस अधिकारियों को शिकायत सौंपकर इस मामले की जांच में तेजी लाए जाने की मांग उठाई। हमारा एक लड़का संदीप है, हमारे परिवार से, वहाँ से 23 तारीख को रात को बिजली बोर्ड में SA की पोस्ट पे था और वहाँ से उसको ये नहीं पता, और हमने 2 आदमियों के नाम भी दिए हुए हैं, 2-3 के, लेकिन कोई पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। और उसका हमने गुमशुदगी का जब उनको बताया गया था कि ये हमारा केस अपहरण का है, लेकिन इन्होंने गुमशुदगी का दायर किया हुआ है। हमने बार बार रिक्वेस्ट किया और SP साहब से मिले, लेकिन कोई है ना, जब आते हैं तो गोलमोल जवाब देकर टरका के हमारे को निकाल दिया जाता है। गांव तिगड़ाना के बाबा परमहंस तिगड़ानिया धाम में वार्षिक उत्सव की तैयारियां इन दिनों जोरों पर है। 14 जुलाई से लगातार 3 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। गौरतलब ये है कि गांव में बाबा के 3 ऐतिहासिक स्थल हैं, जिनमें भव्य आयोजन में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ेगी। गाँव तिगड़ाना में बाबा परमहंस तिगड़ानिया के ऐतिहासिक स्थल पर आयोजित होने जा रहे वार्षिक उत्सव में इस बार 2.5 लाख से भी अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। इन लाखों श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए गांव के 3 ऐतिहासिक मंदिरों में भव्य आयोजन की व्यवस्थाएं स्थापित करने के लिए इन दिनों जोरों पर काम चल रहा है।
गांव के बिचला मंदिर प्रधान धीरज का कहना है कि मंदिर में हर साल लाखों की भीड़ उमड़ती है। वहीं मंदिर में 3 दिनों तक अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन भी होता है। 14 जुलाई को अपरमंत्री राणा वाले की वर्षी मेला मनाया जा रहा है और इस मेले में अच्छा रंगारंग प्रोग्राम होगा और आने वाले श्रद्धालुओं से अपील करता हूँ ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे और रंगारंग प्रोग्राम का आनंद उठाए। जबकि गुफा मंदिर के प्रधान दीपा तवर का कहना है कि 12 से 14 जुलाई तक भंडारा आयोजित किया जाएगा। 13 और 14 जुलाई को गांव में रात्रि जागरण होगा जबकि 14 जुलाई को रागिनी कंपटीशन का आयोजन किया जाएगा। इतना ही नहीं, तीनों मंदिरों को दुल्हन की तरह सजाया जाएगा। वहीं भव्य आयोजन में आने वाले लोगों के लिए भी यहाँ खास तौर पर व्यवस्थाएं की जाएंगी। हर वर्ष की बात ही पूरे देश भर से बाबा लड़धारी की बरसी पर पूरे देश भर के देश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं। हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी 13 तारीख 12 तारीख और 13 तारीख और 14 तारीख के बहुत अच्छे कार्यक्रम है। 12 तारीख का सांग है, 13 तारीख का सांग भी है और जागरण भी है जो बाबा का होता है चौथ का। और हरिद्वार से लगभग 400 युवा डाक कावर के माध्यम से जल भी लेकर के आते हैं और हमारे जो गांव तिगराना के तीनों मंदिर हैं उनमें भंडारे की और बहुत अच्छी व्यवस्था होती है। बड़ा मंदिर के प्रधान भूप का कहना है कि बाबा परमहंस तिगड़ानिया के प्रति लोगों की गहरी आस्था बनी हुई है। इसी के चलते लोग देश विदेश से भी यहां पहुंचते हैं और बाबा की कृपा पाकर खुद को धन्य करते हैं। तीनों ही मंदिर कमेटियों के सदस्य आयोजन को भव्य रूप देने में जुटे हैं। श्रद्धालुओं के लिए हर संभव सुविधाएं जुटाई जा रही हैं। गांव तिगड़ाना से करीबन 600 श्रद्धालु हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लाकर बाबा का जलाभिषेक करेंगे। हर वर्ष की बात है, अब की बार भी 14 जुलाई को बाबा का मेला का उत्सव किया जा रहा है। ठीक है, इसमें कुश्ती दंगल, बाबा का भंडारा तीन दिन का रागिनी कंपटीशन और साधु समाज बाहर से आए हुए बाहर से जितने भी बाबा के भक्तजन हैं सबका विशेष प्रोग्राम। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा लेकिन एक ब्रेक के बाद। बने रहिए भिवानी हलचल के साथ। भिवानी शहर और आसपास के लोग अब खुलकर मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुराएं भी क्यों ना, अब इनके दांतों की पूरी जिम्मेदारी त्रिवेणी डेंटल क्लिनिक ने जो ले ली है। यहाँ पर एडवांस इम्प्लांट तकनीक से केवल 3 दिन में दांत फिक्स किया जाता है। यहाँ हर बीमारी का इलाज हाइजीनिक वातावरण में किया जाता है। त्रिवेणी हरियाणा में एकमात्र NABH से मान्यता प्राप्त डेंटल क्लिनिक है। हमारा पता है त्रिवेणी डेंटल क्लिनिक, नजदीक रोहतक गेट, दादरी रोड, भिवानी। काया केयर ब्यूटी सलोन। काया केयर ब्यूटी सलोन, ए लग्जरी सलोन वेयर यू विल फील यूनिक एंड स्पेशल। वी हैव एक्सपर्टाइज इन वेरियस फेशियल ट्रीटमेंट्स, हेयर स्टाइल्स, फैशन हेयर कलरिंग्स, लग्जरियस हैंड एंड फुट ट्रीटमेंट्स एंड ब्राइडल पैकेजेस। काया केयर ब्यूटी सलोन, फर्स्ट फ्लोर, इंडियन बैंक, नया बाजार रोड, हांसी गेट, भिवानी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बीती रात गांव जाटुलुहारी की बणी में बने कुएं से पुलिस को एक व्यक्ति का संदिग्ध हालत में शव बरामद हुआ। कुएं के बाहर मृतक की चप्पलें, पैसे और मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। फोरेंसिक एक्सपर्ट टीम ने भी शव का मुआयना किया। बहरहाल पुलिस इस मौत की गुत्थी सुलझाने में लगी है। गांव जाटुलुहारी निवासी 42 वर्षीय संजय गुरुवार शाम को घर से गांव धनाना जाने के लिए निकला था लेकिन शुक्रवार सुबह पुलिस को उसका शव गांव की बणी में कुएं से बरामद हुआ। पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया और उसे लेकर जिला सामान्य अस्पताल पहुंची। पुलिस के जांच अधिकारी ASI जगदीश कुमार ने बताया कि कुएं के बाहर मृतक का मोबाइल फोन, चप्पलें और 20 रुपये बरामद हुए हैं जबकि उसके घर वालों का कहना है कि उसने फोन कर गांव धनाना जाने की जानकारी दी थी। मृतक संजय 3 बच्चों का पिता बताया गया। बहरहाल संदेहास्पद हालत में मिले शव का मुआयना करने के लिए जिला सामान्य अस्पताल के डेड हाउस में पुलिस की फोरेंसिक एक्सपर्ट टीम भी पहुंची। जांच अधिकारियों ने बताया कि परिजनों के बयान दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की गुत्थी सुलझ पाएगी। पुलिस की तफ्तीश इस मामले में अभी जारी है। मृतक का नाम है संजय। आज सुबह इतना मिली थी थाना में कि किसी व्यक्ति ने ब्राह्मण वाड़ा कुआ जातुलवारी में गिर गया
जो मौका पे प्रबंधक अफसर अपनी टीम से पहुंचा, जो नाश को बाहर निकलवाया गया तो उसकी शिनाख्त हो, जो कुएं की मंडेर के पास एक परस व चप्पल व मोबाइल भी प्रेजेंट मिला है, उससे प्रतीत होता है कि शायद खुद ने शिनाख्त लगाई हो। अभी तक मरने के कारणों का कोई विशेष पता नहीं चला किसी को भी। डेड बॉडी को ब्राय करवाने पोस्टमार्टम जनरल अस्पताल भिवानी में लाया गया है। भिवानी हिसार रेल मार्ग पर गांव सुई के समीप चलती ट्रेन से गिरकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। राज्य के रेलवे पुलिस ने शव कब्जे में लेकर उसके शिनाख्त के प्रयास भी तेज कर दिए हैं। मरने वाला मानसिक रूप से परेशान भी बताया गया है। राज्य के रेलवे पुलिस के जांच अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार सुबह किसी अज्ञात रेलगाड़ी से गिरकर एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसकी अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। फिलहाल शव को जिला सामान्य अस्पताल के डेड हाउस में रखवाया गया है। प्रारंभिक जांच में पुलिस ने बताया कि मरने वाला मानसिक रूप से परेशान था, उसकी शिनाख्त के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। शव को 72 घंटे के लिए डेड हाउस में रखवा दिया गया है। आज सुबह स्टेशन मास्टर रेलवे स्टेशन भिवानी से एक मेमो प्राप्त हुआ था कि किलोमीटर नंबर 95-89 पर एक आदमी की डेड बॉडी पड़ी हुई है। इस सूचना पर मैं अपने स्टाफ सहित मौका पर पहुंचा, जहाँ पर जाकर देखा कि लाश रेलवे लाइन के बिल्कुल साथ में पड़ी हुई है। लाश लोगों का देखने ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी नामालूम रेलगाड़ी चलती रेलगाड़ी से इस व्यक्ति के गिरने के कारण मौत हुई हो। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर से नजर तक की तमाम खास हलचलों पर। भिवानी में आगामी 25 जून को होगा प्रदेश स्तरीय व्यापारी सम्मेलन। एक माह से लापता निगम के सहायक लाइनमैन का पुलिस नहीं लगा पाई कोई सुराग, गुस्साए परिजनों ने किया लघु सचिवालय के बाहर पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन। गांव तिगड़ाना में बाबा परमहंस तिगड़ाना धाम पर मनाया जाएगा 3 दिनों तक वार्षिक महोत्सव, तैयारियां जोरों पर। गांव जाटू लुहारी की बनी के कुएं में मिला संदिग्ध हालत में व्यक्ति का शव, फोरेंसिक एक्सपर्ट टीम ने किया शव का मुआयना। गांव सुई के समीप ट्रेन से गिरकर हुई एक व्यक्ति की मौत, शिनाख्त करने में जुटी पुलिस। इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत, बने रहिए भिवानी हलचल के साथ।